नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी, लेकर आई हूँ आपके लिए रक्षाबंधन 2018 के बारे में कुछ खास बात। रक्षाबंधन के त्यौहार का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। साल में एक बार आने वाले इस त्यौहार के दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार को 26 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए जाने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण है श्रावण पूर्णिमा। पंचांग और ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और 26 अगस्त को ये तिथि है। यही वजह है कि इस बार भाई बहन के स्नेह को 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार तिथियों को लेकर कई उलझन वाली स्थिति नहीं है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ शनिवार को शाम 3:17 से हो रहा है और ये अगले दिन शाम 5:26 तक रहेगा। इसलिए शनिवार नहीं रविवार को उदया तिथि होने के कारण रक्षाबंधन रविवार को मनाया जाएगा। 26 अगस्त सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि होने से इस दिन पूर्णिमा तिथि मान्य रहेगी और शनिवार को इसलिए पूर्णिमा नहीं मनाई जाएगी। इस बार रक्षाबंधन पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। दरअसल 4 साल में पहली बार राखी के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल को अशुभ माना जाता है, ये समय अशुभ माना जाता है। इसीलिए जितने घंटे यह योग रहता है उतने समय में शुभ काम नहीं करते। इस दौरान राखी बांधना या पावन कार्य करने का शुभ फल नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भद्रा दिन की शुरुआत में ही समाप्त होने से पूरे दिन शुभ योग बन रहा है। ऐसे में आप पूरे दिन राखी का त्यौहार मना सकती हैं, यानी बहनों और पुरोहितों से राखी बंधवा सकती हैं। इस समय राखी बांधने से बचें। रक्षाबंधन पर भद्राकाल नहीं होने से दिन भर राखी बांधना शुभ। हालांकि बहने राहु काल में अपने भाइयों को राखी बांधने से बचे। 4:30 से 6 तक शाम के समय राहु काल रहेगा। इस समय अवधि के अलावा किसी भी समय राखी बांधी जा सकती है। धन समृद्धि के लिए रक्षाबंधन पर करें ये काम। इस दिन भगवान विष्णु के एक अवतार हयग्रीव का भी जन्मदिन है, इसलिए राखी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। माँ लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा करें तो बहुत समृद्धि बढ़ेगी। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी, केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।